हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा फ्रेंड। तो मैं अपने पीसों के नाप बता देती हूँ क्योंकि मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। तो ये मेरे दो पीस हैं जो 5-5 इंच के हैं, ये भी दो पीस हैं जो 5-5 इंच के हैं। ये मेरा एक पीस ये है और एक पीस ये है, ये 5.5-5 इंच का है फ्रेंड्स। दो पीस मेरे ये हैं, दो पीस ये हैं और ये मेरे 4 पीस हैं, यानी कि ये 8 पीस है। ये मैंने इस तरीके से काटा फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, और बीच में से मैंने कट कर लिया है। तो मेरे 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो ये हो गया फ्रेंड्स, और ये मैंने ये भी इस तरीके से ही काटे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से ही मैंने कट किया है। तो आपको भी इस तरीके से कट करना पड़ेगा। इसे हम लास्ट में सिलेंगे अपने डिजाइन को सेट करने के बाद। तो पहले ये हो गया और ये हो गया, ये एक साथ जुड़ेंगे फिर। और हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ये पीस लेंगे और ये लेंगे, बीच में स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे। तो मैं लाइन लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, और इनमें भी हमें लाइन नहीं लगानी है। तो मैं इनमें सब में लाइन लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनमें लाइन लगा ली है और मैंने इनमें पिन भी लगा लिया फ्रेंड, ताकि हमारे ये कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो अब हमें बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलना है फ्रेंड। तो ऐसे ही हम इसको और इसको इसको हम तीनों को ऐसे ही सिल लेंगे फ्रेंड। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब में सिलाई लगा ली है। अब हम इनको बीच में से कट करेंगे, तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ फ्रेंड। ये देखिए, ये अब हमारे डबल शेड के पीस हो जाएंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इनको भी कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कट कर लिए और फिनिश इनको इस तरीके से प्रेस करके इनको अच्छी तरीके से खोल लिया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पीस लेंगे। इसमें हम पहले इसको अच्छी तरीके से खोल लेते हैं फ्रेंड, ताकि कोई सलवट वगैरह ना रहे। इस तरीके से ये हमें इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे नाखून की नाखून से। तो ऐसे ही हम इसको भी कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये हो गया फ्रेंड्स, अब हमें इस पीस को इसी पर, ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से लेना है कि हमारा ये ऐसे मैचिंग का है। तो हम इसको ऐसे रख लेंगे, यहाँ बीच से जॉइंट मिला होना चाहिए। ये ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ हम एक पिन लगा लेंगे, जिससे कि हमारा पता रहे हमें कि यहाँ हमारा जॉइंट है। तो ऐसे ही हम यहाँ एक यहाँ भी हम 3 लाइन लगा लेंगे कोने से कोना। तो हमें सिर्फ एक पीस की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से तो हम साइड साइड में सिलेंगे, बीच की लाइन को छोड़ देंगे, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा ये कोने से कोना मिला होना चाहिए फ्रेंड्स। तो पहले आप यहाँ पिन अप कर लीजिएगा, और यहाँ से हम सिल रहे हैं साइड साइड में से बीच की को छोड़ के। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिल लिया। अब हमें एक ही पीस चाहिए, तो मैं बीच में से कट कर रही हूँ, फिर हमारा एक पीस तैयार हो जाएगा। तो हमने कट कर लिया ये साइड में, और ये देखिए हमारा ये कम्प्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें ये जो हमारा डिज़ाइन है, हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हमारा जहाँ ये पॉइंट आएगा, हम यहाँ से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो मैं निशान लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस ओपन हो गया। अब हम इस पीस को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, और हमने ये ऐसे ही इस पीस के हिसाब से ये हम इस पीस को नाप लेंगे कि हमारा कितना तैयार आ रहा है। तो ये मेरा 5 इंच तैयार आ रहा है फ्रेंड। तो ऐसे ही हम इसको 5 इंच पे पॉइंट कर दिया है, ये देखिए। और फिर हमने इसको ऊपर तक नहीं किया फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ तक हमने ये लाइन लगा दी। हमने ऊपर तक नहीं किया फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ तक किया 1 इंच छोड़ के। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, फिर हम इसमें अपने ये पीस जॉइंट करेंगे। तो मैंने
सारे पीस एक साथ रख लिए थे फ्रेंड पिनअप करके। अब ये हमारी जो हाफ हाफ है इसको हम कट करने के बाद इसको यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ रख के इस तरीके से सिलेंगे ताकि हमारा पीस इस तरीके से जॉइंट आ जाए। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से पीस लेना है, इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। ये कोना बाहर होना चाहिए फ्रेंड, इधर का भी और इधर का भी। तो यहाँ सिल लेंगे, जब ये हो जाएगा तो फिर हमें इसको यहाँ से सिलना है फ्रेंड्स। इसका भी हम कोना बाहर कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने अपना एक पीस सिल लिया है, ये देखिए इस तरीके से। ऐसे ही हम ये अपने बाकी के पीस भी सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पीस अपने सिल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बोर्ड को लेंगे, ये हमारा 4 इंच का बोर्ड है। तो अब हम देखिए इस तरीके से सारे चारों कोने से कोने मिले हुए हैं। अब हम यहाँ पेन की मदद से लाइन लगा लेंगे चारों तरफ और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो हमें ये सारे पीस 4-4 इंच के चाहिए फ्रेंड्स। तो मेरा ये हो गया, ये मैंने 4 इंच का पहले से ही कट करके रखा हुआ है फ्रेंड। तो देखिए पूरा 4 इंच का इस तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब हमारे ये जो पीस हैं ये लेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये इस तरीके से सिले हैं। तब हमें क्या करना है, नोक से हमें थोड़ा पॉइंट ऊपर लेना है ताकि हमारी ये जो शेप है बनी रहे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पीस लेना है और हमें यहाँ स्केल की मदद से लाइन लगानी है और ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारे ये बाकी के पीस भी इसी तरीके से करने हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमने इसको भी इसी तरीके से करना है फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से शेप में हमें इसको लेना है। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर लेंगे। ये हमने मैंने निशान लगा लिया फ्रेंड्स। तो मैं इन सारे पीसों को एक ही शेप में कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस कट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिज़ाइन सेट करेंगे। तो मैं आपको इसका डिज़ाइन सेट करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंथ वाइज इनको एक एक करके पीस सिलेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ये लाइन ले लेते हैं। चाहे आप इस तरीके से सिलिए, चाहे आप इस तरीके से सिलिए। तो मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ फ्रेंड्स कि हम इसको यहाँ बीच में रखेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। तो मेरा ये यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे ही हम इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो मेरी ये लाइन हो गई फ्रेंड्स एक, और ऐसे ही हमें इसको करना है। तो इसको भी हम यहाँ से सिल लेंगे, ये हो गया। इसको हम यहाँ से सिल लेंगे तो हमारा ये भी हो गया। ऐसे ही हमें ये वाला पीस भी सिलना है फ्रेंड। तो मैं ये तीनों लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी तीनों लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हम पिनअप कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा पीस हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे कि यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे पिन लगा के और यहाँ से सिल देंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप ये ऐसे डिज़ाइन को कुछ ना कुछ यूज कीजिए, टीवी कवर बनाइए, मेज कवर बनाइए, सोफ़ा कवर, या फिर आप बच्चे की बेड शीट बनाइए, बिछौनी बनाइए, या पर्दे बनाइए। आप इस डिज़ाइन को किसी चीज़ में भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, मैंने अच्छी तरीके से सिल लिया है। हर चीज़ फिनिशिंग से आई हुई है, हर कोना कोने से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तो आप भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।